कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने फाइव स्टार होटल का इंतखाब नहीं किया, हम शेरेटन पीसी आवारी में नहीं कर रहे, हम कराची प्रेस क्लब पे नहीं कर रहे, हम ईसा नगरी कब्रिस्तान के बाहर कर रहे हैं जो कराची वालों का मुकद्दर है। गवर्नर साहब 20 में से किसी एक के घर नहीं आए, समझ से बाहर है कि क्या ऐसा खौफ है, क्या इलेक्ट्रिक महीना बंद कर देगी, तुम इनसे कुछ ले रहे हो? नहीं नहीं, कहां लग रहा है भाई, एसएचओ बोल रहा है कि मर गए, सबूत लाओ। अबे मैयत रखी है बच्चे की। जफर साहब, एक बारिश होती है लेकिन होता क्या है, उसके बाद करंट लगने से 20 लोग मर जाते हैं, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है, जिम्मेदार कराची की आवाम है जो खामोश रहती है। उन जितने भी बच्चे मरे, ये कह रहे थे दो बच्चे मरे, मैंने दो और मलिर के बच्चों की तस्वीरें दिखा दी, इन्होंने कहा अच्छा अब चार मरे, मैंने कल रात में इनको जेल चौरंगी वाले बच्चे की तस्वीर दिखा दी फात की 12 साल के, ये बोले पांच बच्चे मरे, मैंने 17 मजीद तस्वीरें इनको दिखा दी। जाए देखे ना कयामत, एक तो ऐसा बच्चा है जो 9 साल बाद पैदा हुआ था, अपने वालदैन का इकलौता बच्चा था, वो मर गया। कल जिस बच्चे के घर से आया हूँ जेल चौरंगी से, वो अपने वालदैन का इकलौता बेटा था। मुझे नहीं मालूम यार, तो भाई जिनकी एफआईआरें कटवाई हैं मोनिस के नाम से, सीओ के नाम से, क्या गिरफ्तार हो गया? जाफर तैयार वाली लड़की जो चांद रात को बेवा, जिसको ईद उल फितर पे उसके शौहर को, क्या अब तक इंसाफ मिला? कोई सुनने को तैयार है उनका केस? कहीं कुछ भी कोई सुनवाई है? हम तो चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं, 20 के 20 लोगों की एफआईआर कटवाएंगे, 3 की कट चुकी है, 4th की कल कटने जा रही है। कल कराची में भत्ते की पर्चियां आती थी, लोग बहुत खुश हो गए, आज भी तो आ रही है पर्चियां। ये पर्ची तो घर में के इलेक्ट्रिक के बिल के नाम से आ रही है, वही है। और अगर आपने धमकाने भी आते हैं, धमकाने वही लोग जो गुंडे थे, मैं नाम किसी का नहीं लेता, जो बदमाशियां करते थे, वही बदमाश आज यहाँ भर्ती हो चुके हैं। वो आपके घर पे आते हैं, उनको इससे कोई शर्म नहीं, घर में कोई बेवा है, बुजुर्ग है, वो आएंगे बोलेंगे 2 दिन ऊपर हो गया, बिल इज्जत से दे रहे हो, तुम्हारे कपड़े रोड पे उतारे, तो बंदा बोलता है यार मैं जवान बेटी का बाबू नहीं करें, प्लीज हाथ जोड़ो, पांव जोड़ो, जेवर दे दूं, अपनी बीवी का भेज देंगे आप। कराची की आवाम ने अपने बच्चों को पोलों से चिपक के मरते हुए देख लिया, आधा गोश्त पोल में चिपका हुआ है, आधा गोश्त मैयत के साथ है। अब कराची की आवाम जाग गई है, बस मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कोई सियासी तंजीम आवाज उठाए। मैं कैसे बोल दूं लोगों को बाहर आ जाओ, अगर लोग मेरे कहने पे बाहर आ गए तो अंदर थोड़ी जाएंगे, जला देंगे, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर। आपका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, फिर भी आपके इलेक्ट्रिक से जंग कर रहे हैं, क्यों दलीलों ख्वार हो रहे हैं? मैं इसलिए उठा रहा हूँ, मेरी एम्बुलेंस से उठा रही है मैयतें, मैं दर्द जानता हूँ ना, एक बाप का किस तरह रुसवा हो रहा है, अपने बेटे की मैयत देख देख के रो रहा है कि मेरा एक ही बेटा था वो भी मर गया, कसूर क्या था इसका? वो माँ जो पापोश में रो रही है, उसके बच्चे ने 5 छोटे बच्चों की जान बचाई, खुद चिपक के मर गया। इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर सिंह कहते हैं कराची के लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, बारिश में बहुत मजे किए, 20 लाशें गई, वो बोले कराची के लोग इंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो लाजिम बात है, जब वो खयाबाने इंजॉय, खयाबाने फनलैंड, खयाबाने प्लेग्राउंड से बाहर निकलेंगे, पुल के इस तरफ आएंगे और यहाँ के जो होटल हैं वहाँ पूरी कबाब छोला खाने के बाद आके देखेंगे कि लोगों के घरों के बाहर टेंट क्यों लगा हुआ है, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे ये मैयत रखी हुई है। गवर्नर साहब 20 में से किसी एक के घर नहीं आए, किसी एक के जनाजे में नहीं आए, वजीर आला किसी के जनाजे में नहीं आए, मेयर साहब किसी के जनाजे में नहीं आए, उन इलाकों के MNA MPS किसी जनाजे में नहीं आए, समझ से बाहर है कि क्या ऐसा खौफ है, क्या इलेक्ट्रिक महीना बंद कर देगी, तुम इनसे कुछ ले रहे हो? तुम्हें किस बात का खौफ है भाई, तुम तो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हो, तुम क्यों नहीं आ रहे जनाजों में? किसी के कल खिलाफ दोबारा ही हादसा हो जाता है, वो किस तरह कानून को अप्रोच कर सकता है? मजबूत कानून साजी नहीं है, इंसाफ बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, वकील करना हाई कोर्ट का गरीब आवाम के नामुमकिन है। हमने एक पैनल तरतीब दिया, उसमें इंसान दोस्त वकला हैं जो पैसे नहीं ले रहे हैं, जो गफलत की दफात इन पे लग सकती हैं वो लगाई जा रही है, उसके बाद एक्सीडेंटल फायर होगा, फाइल होगा कि भाई ये बच्चा जो पढ़ रहा था इसे लगा देते हैं। नहीं नहीं, कहाँ लग रहा है भाई, SHO बोल रहा है कि मर गए, सबूत लाओ। अबे मैयत रखी है बच्चे की, वीडियो बनी हुई है, मैयत रखी है यार, कोई तुमसे मजाक करने आए, टीवी चोरी हो गया, का बच्चा मरा, कुत्ते का बच्चा, अरे साइकिल चोरी हो गई 3,000 रुपए की, बच्चा मर गया, मैयत रखी है, FIR काटो, कह रहे प्रूफ लेकर आइए। कराची वालों का ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना इंसाफ है, कराची वालों को हक क्यों नहीं मिल रहा? कभी भी नहीं मिलेगा जब तक ये खामोश रहेंगे, हर कोई आएगा, कोई कचरे के नाम पे इन पे सियासत करेगा, कोई बिजली के नाम पे सियासत करेगा, कोई पानी, पानी बंद है कराची का, तुमने कराची की बिजली बंद की, पानी बंद किया, गटर बंद किए, नाले बंद किए, बराबर में नया शहर आबाद कर दिया, वही वो भी शहर वो है मुकद्दस गाय कि आप नाम नहीं ले सकते बैरिया टाउन का, अब मतलब जैसे के इलेक्ट्रिक एक मुकद्दस गाय आप नाम नहीं ले सकते, वैसे ही वो भी कोच कैसे बोलेगा भाई, कोई नहीं बोल सकता, पुलिस भी नहीं घुस सकती। अरे आप छोड़े ना, मैं छोड़े, मैं उनके डैम अलग, उनके दरिया, उनके समंदर अलग यार,
आपने कराची का हाल प्री प्लान किया, हमें पता है, हमें हम सब जानते हैं, पागल नहीं है। 3 करोड़ की आबादी 1.5 करोड़ का आ गई, दुनिया कह रही थी 4 करोड़ 4.5 करोड़ हो गई, आप कह रहे नहीं 1.5 करोड़ कम हो गई। अरे यार कर रहे हैं एक ऐसे इदारे के खिलाफ जो बहुत ताकतवर है, हुकूमतें उसके खिलाफ नहीं बोलती, आपको कितनी उम्मीद है? मेरे लोग मर रहे हैं, मुझे खुदा की जात पे उम्मीद है, बस मुझे खुदा की जात पे उम्मीद है। मैं जानता हूँ सियासतदान जितना शोर करेंगे, अपने पैसे बढ़वाएंगे कि इलेक्ट्रिक से पैसे लेंगे, खामोश हो जाएंगे। इनका क्या इंटरेस्ट है, इनको मजा आ रहा है, इनके नोट में इनको कराची के खून की बदबू थोड़ी आ रही है, इनको थोड़ी मालूम कि वो वालदैन अपने बच्चों को यूनिफॉर्म देख देख के जिएंगे और मरेंगे रोजाना, जिनके बच्चे मर गए, उनकी खिलौने देख देख के जिएंगे और मरेंगे जिनके बच्चे मर गए, इनको शर्म थोड़ी, इनको शर्म होती तो गवर्नर घर नहीं आता उन बच्चों के जो मर गए कराची की जरा सी बारिश में। अभी 2 दिन बाद बारिश शुरू होगी, कराची में गिन लिएगा सैकड़ों लाशें, किसी को शर्म ही नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कल? कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने 5-स्टार होटल का इंतखाब नहीं किया, हम शेरेटन पीसी अवारी में नहीं कर रहे हैं, हम कराची प्रेस क्लब पे नहीं कर रहे हैं, हम ईसा नगरी कब्रिस्तान के बाहर कर रहे हैं, जो कराची वालों का मुकद्दर है, जहाँ कराची वाले जा रहे हैं। साहबियों को कितने पैसे भिजवाए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं आए साहब, नहीं आए साहब, हम खुद अपने मोबाइल से वीडियो बना लेंगे, उसको खुद ही मोबाइल में एडिट करके चला देंगे, लोग देख लेंगे। अभी हमने आवाम को नहीं बुलाया, ये मैं बता दूं। ये जंग कब तक जारी रखेंगे? जब तक ये हमें मार नहीं देते हम तो जारी रखेंगे भाई, हमें तो इंसाफ चाहिए, बहुत हो गया जुल्म यार। तुम 6,000 15,000 20,000 1,00,000 बिल भेज रहे हो, जिनकी तनख्वाहें 20,000 रुपए, और नहीं तुम्हें शर्म नहीं है? अरे धमका थोड़ी रहे, बिजली काट रहे हैं, घर के अंदर बूढ़ी वालदा है, बेड शोर की मरीजा है, पीठ पे उनके जख्म हुआ है, पंखा लाइट सब बंद, कीड़े पड़ रहे हैं जख्मों में कराची वालों के, कोई पूछने वाला नहीं है।